आजकल लोग ज्यादातर कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। यदि किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो तो वो कहते हैं कि उसका कर्म वो चुका रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो कहते हैं कि उसने किसी के साथ किया होगा या फिर पिछले जन्म में उसने कोई गलती की होगी, उसका परिणाम वो इस जन्म में कर्म चुका रहा है। तो जितने भी लोग दुनिया में जी रहे हैं पाप में, गरीबी में या फिर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो माना जाता है कि पिछले जन्म में उसने जो गलती किया होगा वो जमा होकर उसे वापस चुकाने के लिए इंसान दोबारा जन्म लेता है। और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे क्रिश्चियन भी जो हैं इस कर्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगले जन्म में हम अच्छा काम कर लेंगे, ये जीवन में जो बिगाड़ा है वो अगले जीवन में जाके सुधार लेंगे। एक क्रिश्चियन भाई हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, उनके बेटे के जन्मदिन का पोस्ट उन्होंने फेसबुक में डाला था और उन्होंने लिखा था कि मेरा पिताजी जो है वो दोबारा पुनर्जन्म हुए हैं, मेरे पिताजी का दोबारा जन्म हुआ है। तो ये थॉट जो है ज्यादातर हिंदू स्क्रिप्चर से आता है कि इंसान अपने जिंदगी के कर्मा को जब पूरी तरह चुका देता है वो मोक्ष प्राप्त कर देता है और वो ब्रह्म के साथ एक साथ हो जाता है। दोस्तों, ये कर्म को मैं नहीं मानता और ये पुनर्जन्म को मैं नहीं मानता। क्यों? मैं क्रिश्चियन हूं इसीलिए नहीं। उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अहम और सीरियस सवाल हैं जिनका जवाब लॉजिकली नहीं मिलता है। इस कारण मैं कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूं। अब मेरे मन मन के अंदर जो सीरियस क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूं और वीडियो को देखने वाले शायद से आपको ये सवाल का जवाब पता होगा, तो आप कमेंट्स में आप मुझे बताइए क्या है करके। तो पहला सवाल मेरे अंदर ये है, जब भी हम कर्म के बारे में बात करते हैं ये मानते हैं कि पिछले जन्म का अधूरा काम या बुरा काम इस जीवन में हम आकर उसको करते हैं या फिर चुकाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जीवन में हम पिछले जन्म का कर्म चुका रहे हैं। अगर पिछले जन्म में हम जाएंगे तो हम उसके पिछले वाले जीवन के कर्म को चुका रहे हैं। तो ऐसे ही पीछे पीछे करते हुए जाएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले बार इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ तो वो कौन सा कर्म चुका रहा था। आप कह सकते हैं कि पहले बार वो परफेक्ट पैदा हुआ है, तो परफेक्ट पैदा हुआ इंसान गलत काम कैसे कर सकता है? अगर वो गलत काम कर रहा है उसका कारण क्या है? उसका पहला कर्म जो गलत था उसको चुकाने के लिए वो गलत काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो पहला ये सवाल जो है सीरियस सवाल जिसका जवाब नहीं है कि पहले जीवन में, पहले जन्म में इंसान कौन सा कर्म को चुका रहा था। लेकिन बाइबल में दोस्तों उसका जवाब है। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय में, शुरुआत के दिनों में आदम और हवा के आज्ञा के उल्लंघन के कारण मानव जाति ने पाप किया है और उस पाप के कारण परफेक्ट और सही तौर पर बनाया हुआ मनुष्य बिगड़ कर पाप और बेकार के कामों में फंस गया और उसका जिंदगी जो है दुख तकलीफ से गुजरने लगा। तो ये बाइबल का स्टैंड है। लेकिन कर्म को जो मानने वाले हैं वो ये साबित करके दिखाइए कि पहले जीवन में इंसान किस बात का कर्म चुका रहा था। दूसरा सवाल मेरे अंदर ये है, कुछ धर्म है जैसे कि जैनिज्म है या फिर बुद्धिज्म है या फिर ऐसे कुछ धर्म के लोग हैं, उनमें कुछ लोग जो है एनलाइटेंड हो जाते हैं, यानी कि वो लोग जो है ये दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और अपने आप को एनलाइटेंड मानते हैं, जैसा बुद्धा है, जैसे महावीरा है, और उनको फॉलो करने वाले भी कहते हैं कि हमने हमारा कर्मा पूरी तरह चुका दिया है और वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा लॉजिक लगाकर देखिए, अगर मान लो कुछ लोग ये जन्म में थोड़े थोड़े करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं तो जनसंख्या कम होती रहनी चाहिए, बराबर। लेकिन विपरीत में हम देख क्या रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर थोड़े से लोग भी अपने कर्म को पूरी तरह चुका कर इतने हजारों सालों से आ रहे हैं तो धीरे धीरे अगर आप 100 100 साल में भी एक एक व्यक्ति का भी कर्म चुकती हो रहा है, वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कम होना चाहिए। लेकिन ये बढ़ते जा रहे, क्यों बढ़ते जा रहे, कहां से आ रहे हैं ये सारे लोग? इसका जवाब कर्म और पुनर्जीवन नहीं दे सकता है। और दूसरी और तीसरा सवाल मेरे अंदर है, यदि कर्म सच है दोस्तों, कर्म सच है, तो ये भयानक उदाहरण मैं आपको देने जाऊंगा, आप मुझे माफ कीजिए। यदि कोई व्यक्ति को कोई लूट रहा है तो हमें यह जानना जरूरी है जिस व्यक्ति को लूटा जा रहा है वो व्यक्ति ने पिछले जीवन में किसी के साथ बुरा किया है जिसके वजह से इस जन्म में और इस समय में उसको लूटा जा रहा है, यानी कि वो अपना कर्मा चुका रहा है, या फिर जो व्यक्ति उसको लूट रहा है क्या वो अपना कर्म चुका रहा है?
तो देखने वाले हमें क्या करना चाहिए, हमें जाकर उसको रोकना चाहिए। हाँ, अगर हम उसको जाकर रोके तो हम अच्छा कर्म तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को उसके कर्म चुकाने से रोक नहीं रहे हैं? तो देखो दोस्तों, लॉजिकली ये सही नहीं लगता है। अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो क्या हम ये कहेंगे कि उसके पुराने जीवन में उसने कुछ गलत किया है जिसके वजह से उसके साथ ये हो गया है? दोस्तों देखिए, दुख भरा सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूँ, कर्म इसका जवाब नहीं दे सकता है। अगर कर्म सच है तो हम दुनिया में रहने वाले पाप, दुनिया में रहने वाले बीमारी, गरीबी, करप्शन के बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। आप किसी को दोष नहीं लगा सकते क्योंकि हर कोई अपना कर्म चुका रहा है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई नेता है या फिर कोई भी बंदा है गलत काम कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, वो लोग धोखे में इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि वो अपना कर्म चुका रहा है, तो क्यों हम कंप्लेंट करें? तो देखिए आपको कितना इलॉजिकल लगता है और इंसान के तहे दिल के उस प्यास और तड़प का जवाब नहीं मिल पाता है। तो कर्म और पुनर्जन्म एक ही चीज सिखाता है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें ही उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन हजारों सालों से दोस्तों मनुष्य कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी हालत में अपने कर्मों को सुधारे, लेकिन सुधार नहीं पा रहा है। दिन बर दिन दुनिया बेकार होती जा रही है, दिन बर दिन दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग अपना कर्मा चुका रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाइबल में कहा गया है कि आप अपने कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, अपने कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि देखो दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में एक अनंत प्रॉब्लम है, एक अनंत तकलीफ है, परेशानी है। अब उस अनंत परेशानी को दूर करने के लिए सीमित व्यक्ति, फाइनाइट व्यक्ति कितना कोशिश करेगा? वो बहुत कोशिश करके देखता है, भक्ति करके देखता है, बलि चढ़ाकर देखता है, पुण्य स्थल जाकर देखता है, लेकिन उससे होता नहीं, क्योंकि उसके जीवन में जो तकलीफ, परेशानी है, पाप है, वो सीमित नहीं बल्कि अनंत है। तो उस अनंत तकलीफ को दूर करने के लिए अनंत काल का परमेश्वर से ही होगा। इसीलिए परमेश्वर खुद इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया और उस अनंत दंड से आपको और मुझे छुड़ाया है दोस्तों। और वही चीज हम इफिसियों के किताब में दूसरा अध्याय वचन 8 और 9 में पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो दोस्तों, ये दुनिया के तकलीफों से हमें छूटना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो हमारे कर्मों से नहीं हो सकता है, क्योंकि नौवां वचन कहता है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर मैं अपने कर्मों के कारण मैं मोक्ष प्राप्त कर रहा हूं तो घमंड करने वाली बात हो गई। मैं सीमित व्यक्ति अनंत परेशानी का हल नहीं ला सकता है, लेकिन अनंत काल का परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुफ्त भेंट है उससे हमारा उद्धार हो सकता है दोस्तों। और ये कर्म और पुनर्जीवन ऐसा कोई भी चीज नहीं है, जिंदगी एक ही है। क्योंकि बाइबल साफ साफ इब्रानियों की किताब में 9वां अध्याय में 27वें वचन में कहता है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल साफ कहती है कि इंसान एक ही बार मरता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। तो दोस्तों कोई पुनर्जन्म नहीं है, अभी जो आपको सुधारना है अभी सुधार लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अगले जन्म में सुधार लूंगा। कुछ लोग मजाक में कह देते हैं कि जब हम नर्क में जाएंगे वहां पर हम पार्टी बनाएंगे, हमारा गैंग बनाएंगे। उन लोगों को नर्क का अंदाजा तक नहीं है दोस्तों। नर्क में पार्टी नहीं बना सकते हो, ग्रुप नहीं बना सकते हो। अनंत काल तक जलते उस शोले और आग में उन आत्माओं को झोंका जाता है दोस्तों, परमेश्वर से दूर। आप लोग के मन में सवाल आ सकता है कि परमेश्वर कैसे इंसान को नर्क में ढकेलेगा? दोस्तों परमेश्वर नहीं मनुष्य को ढकेलता है। मनुष्य कहता है कि मुझे आपके पास नहीं आना है, और परमेश्वर के पास नहीं जाना है तो दूसरा रास्ता एक ही है, वो नर्क है। तो दोस्तों कर्म नहीं है, आप कर्म से अपनी जिंदगी को सुधार नहीं सकते हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह से आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। आइए यीशु मसीह के पास। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि वो खुद आपके कर्म को, इस जिंदगी के कर्म को, इस जिंदगी के बुरे कामों को अपने आप के ऊपर लेकर आपको छुटकारा दे दिया है। और वो कहते हैं यूहन्ना के किताब 14 अध्याय 16 वचन में, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करेंगे ताकि हम आगे का जिंदगी पाप के बिना और पवित्र जीवन जी सकें। यही है दोस्तों सच्ची विश्वास, यही है दोस्तों सच्ची कार्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके ऊपर है, यदि आप आज भी कर्म को लेकर सोच रहे हैं, पुनर्जन्म को लेकर सोच रहे हैं, तो ये तीनों सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल के पास जवाब है। बाइबल कहता है मनुष्य सही तौर पर बनाया गया था, पाप के कारण वो बिगड़ गया, लेकिन उससे बचाने के लिए
यीशु मसीह आया है उद्धारकर्ता बनकर, क्योंकि हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे हमारे साथ रहकर हमें सहायता करेगा, और अनंत काल के उस न्याय के सिंहासन के सामने जब हम जाएंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देकर मोक्ष प्रदान करेगा। आइए यीशु के पास या फिर इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं इंतजार करते रहूंगा। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।